CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 1 के छात्रों के लिए कार्यक्रम मोर। काले बादल ही नहीं दिखाई पड़े तो भाई मोर नाचा ही नहीं, और जब मोर नाचा ही नहीं तो सारे पशु पक्षी उदास हो गए। जब सारे पशु पक्षी उदास हो गए तो मोर को बहुत बुरा लगा। उसने सबसे पूछा, अरे भाई तुम सब चुपचाप गुमसुम क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? मोर की बात सुनकर सभी जानवरों की तरफ से बंदर बोला, मोर भैया आजकल तुम नाचते ही नहीं, और जब तुम नहीं नाचते तो हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम चुप हैं, सारा जंगल चुप है। बंदर की बात सुनकर मोर बोला, अच्छा भाई तुम सब जाओ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं जरूर नाचूंगा, मैं जंगल के जानवरों को उदास नहीं देख सकता। तो भाई मोर ने पंख फैलाकर नाचने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन आसमान में
काले बादल थे ही नहीं, पानी बरस ही नहीं रहा था। भला मोर नाचे भी तो कैसे, वो तो नाच ही नहीं पाया। तब मोर ने सोचा, क्यों ना मैं बादलों को बुलाऊं और उनसे कहूं कि तुम खूब बरसो और मैं नाचूं जिससे सब खुश हो जाएं। ये सोचकर मोर ने पेड़ की ऊंची डाल पर चढ़कर आवाज दी, बादल ओ बादल बादल। तुम हो मोर, लेकिन हम बादलों को तुम क्यों आवाज दे रहे हो? बादल भैया, आजकल आसमान में काले बादल ही नहीं आते, वर्षा भी नहीं होती, जिससे मैं नाच नहीं पाता। देखो भाई, मेरे नाचने की तो कोई बात नहीं, पर चूंकि मैं नाचता नहीं हूँ, इसलिए जंगल के सारे पशु पक्षी उदास हैं। उनकी उदासी मुझसे नहीं देखी जाती, इसलिए बादल भाई, तुम काले काले बादलों को आसमान में भेजो ना, जिससे वर्षा आए, खुश होकर मैं नाचूं और फिर सारे जंगल के जानवर खुश हो जाएं। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर हम काले बादल यानी वर्षा के बादल तब बनते हैं जब पानी से भाप बनती है। जब खूब ढेरों भाप बनकर इकट्ठी होती है तभी बनते हैं वर्षा वाले बादल, और फिर यही बादल इकट्ठे होकर बरसाते हैं पानी। जाओ तुम पानी से कहो वो ज्यादा भाप भेजे। बादल की ये बात सुनकर मोर झट से पेड़ की ऊंची डाल से उतरा, उतरकर भागा भागा नदी के पास गया। प्या, 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 प्या। नदिया, ओ नदिया, मोर की आवाज सुनकर नदी ने कहा, ओहो तुम हो भैया मोर, क्यों मचाते हो इतना शोर? नदिया रानी, नदिया रानी, आजकल आसमान में काले बादल नहीं आते, इसीलिए मैं नाच नहीं पाता। नाचता नहीं इसीलिए सभी पशु पक्षी उदास हैं। अब मुझसे उनकी उदासी देखी नहीं जाती, लेकिन जब तक आसमान में काले बादल नहीं छाएंगे मैं नाच ही नहीं पाऊंगा। तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? बादल के पास जाओ, मुझे अपनी कथा सुनाओ। अरे नदिया रानी, पूरी तो सुनो कहानी। बादल के पास भाप ही नहीं है, भाप तो नदी ताल तलैया से बनती है। अच्छी नदिया रानी, तुम खूब भाप बनाओ ना, जिससे झटपट वर्षा के बादल बने और फिर आसमान में काली घटाएं छाएं, रिमझिम वर्षा हो और फिर मैं नाचूं गाऊं और सब खुश हो जाएं। अरे भाई मोर, मैं तो तुम्हारी कुछ मदद कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भाप तो अपने आप बन ही नहीं सकती। तो फिर कैसे बनेगी भाप? जब सूरज दादा
अपनी किरणों को हमारे पास भेजेंगे। वे किरणें पानी को गर्म करके बनाएंगी भाप और फिर बादल बन जाएंगे अपने आप। अच्छा अच्छा हाँ। मैं अभी सूरज दादा को आवाज देता हूँ। तो दोस्तों, मोर ने एक ऊंची डाल पर चढ़कर आवाजें देनी शुरू की। सूरज दादा, सूरज दादा, सूरज दादा। सूरज दादा तो बहुत दूर थे। मोर ने और भी जोर से आवाज दी, सूरज दादा, सूरज दादा। इसके बाद सूरज दादा ने सुन ली मोर की आवाज और उन्होंने पूछा, क्या बात है भाई मोर, क्यों मुझे आवाजें दे रहे हैं, क्यों परेशान हो? सूरज दादा, आसमान में काले बादल ही नहीं आते, काले बादलों के बिना मैं नाच ही नहीं सकता, मैं नहीं नाचता तो जंगल के सारे पशु पक्षी उदास हो जाते हैं। अरे तो तुम बादलों को आवाज दो ना, मुझे क्यों बुला रहे हो? नहीं सूरज दादा, आप ही से मदद चाहिए, बिना भाप के बादल नहीं बनेंगे और बिना सूरज की गर्मी से भाप नहीं बनेगी। सूरज दादा, आप अपनी खूब सारी किरणों को नदी, तालाब, समुद्र में भेजिए, जिससे जल्दी जल्दी भाप बने और फिर बन जाए भाप से बादल और फिर बादल छा जाए आसमान में, रिमझिम वर्षा हो, मैं नाचूं और सब खुश हो जाएं। बस दोस्तों, फिर क्या था, सूरज दादा ने अपनी ढेर सारी किरणों को भेजा नदियों में, तालाबों में, कुओं में, सागर में और फिर बन गए ढेरों भाप, बादल बन गए अपने आप। बादल इकट्ठे होकर उमड़ घुमड़ कर आसमान में छाने लगे और वर्षा होने लगी, रिमझिम 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 रिमझिम। और तब बादलों को देखकर, वर्षा को देखकर मोर भी नाचने लगा, छम 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 गाने लगा और खुश हो गए सभी पशु पक्षी। तो भाई ये थी मोर की कहानी, उसी मोर की जो बादल को देखकर नाचता है और सबको खुश करता है। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।